हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमें सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या है कि टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम्स आर 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू एंड, यानी दो क्यूब को यहाँ पे मिला दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है, और दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, यानी उसका लेंथ, ब्रिथ और हाइट क्या है, सेम है। हमें यहाँ पे क्या वॉल्यूम इसका दिया गया है, हमें वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का है ये, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया गया 64 इक्वल टू ए क्यूब, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8। तो ए का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए मीन्स क्या होता है, साइड होता है, यानी ये जो क्यूब है इसका साइड क्या है, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। अब इसका क्यूब है तो इसका लेंथ भी ए होगा, ब्रेथ भी ए होगा और हाइट भी ए होगा, तीनों ए होगा क्योंकि ये क्यूब है। तो यानी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब हम दोनों क्यूब को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबाइड बन जाएगा। यहाँ पे जब हमने दोनों क्यूब को मिला दिया है तो ये किस फॉर्म में हो गया है, अब क्यूबाइड बन गया है, अब क्यूबाइड बन गया है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी थी इस क्यूब की, ए था। अब जब दोनों को मिला दिया तो ए भी लेंथ ऐड हो जाएगी, इसका भी ए था, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। यानी जब हम क्यूबाइड का फार्मूला यूज करेंगे तो वहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2a हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अब क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का क्या फार्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ हो गया। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, अब न्यू का 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a हो गया, मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तो ब्रेथ सेम ही रहेगा, उसका भी a रहेगा, प्लस a हो गया, हाइट भी a रहेगी, प्लस हाइट यहाँ पे a और लेंथ हमारे कितना है, 2a है। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इंटू ए करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू 2a, तो यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं 2 1 2 2 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5a स्क्वायर, 2 5 10a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 10 हो गया, अब a की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 4 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे a की प्लेस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो यह इसका आंसर आ गया।